और मेरे घर का माहौल ऐसा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो आप तो फ्लैट ही हो जाओगे यार, क्योंकि आज है मैडम का SST का एग्जाम। अगर गाड़ी में रिवीजन करनी हो तो हम कर सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आज हमारे मेन्यू में है पोहा, वी हैव चना साल। बाबू जी प्लीज हेल्प अस। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल जी? एग्जाम फीवर, बाय गॉड, आई एम श्योर आपके घर में भी ये एग्जाम का फीवर ऑन होगा। सबके एग्जाम चल रहे हैं और हमारे घर में तो तीन तीन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं यार। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है मैं हर क्लास को तीन तीन बारी पढ़ रही हूँ। बट एनी हाउ मम्मा हूँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। मेरे बच्चों के एग्जाम ऑन है और मेरे घर का माहौल ऐसा है कि पिन ड्रॉप साइलेंस। मॉर्निंग जो हमारे घर की होती है वो बहुत रश होती है और यहाँ पर रिविजन, रिवाइज, किताबें, ज्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अनान्य और शनाया, बिकॉज अब स्कूल जाने का टाइम है। अब भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, क्विकली बात करेंगे, देखते हैं वो क्या कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझे बोला था कि फटाफट उठ के वो रिविजन शुरू कर देंगे, बट लेट्स सी। आ जाओ शनाया का है, जैसे कि आप देख सकते हो जो बुक्स खुली हैं, हिंदी का एग्जाम। बहुत सारे बच्चों के लिए हिंदी हवा होती है, बट टच वुड वाहेगुरु की कृपा है, हमारे लिए नहीं है। शनाया बहुत अमेजिंग हिंदी लिखती है गाइस, बहुत ही अच्छा। और इसकी हैंडराइटिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप तो फ्लैट ही हो जाओगे यार। ये कॉपियां नहीं है। ये तो पता है फ्रेम कराने वाली चीजें हैं। इट्स रियली नाइस। तो शनाया हिंदी में लिख लिख, आप बताओ कैसे कर रहे हो? तो गाइस मैं सारी चीजें लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, लाइक सारी जो मतलब पैराग्राफ राइटिंग, मतलब मुहावरे, वाक्यांश के लिए शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द। दिखाओ देखो, ये पर्यायवाची शब्द, ये विलोम शब्द, ये अनेकार्थक शब्द, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये मुहावरे, ये मेरा पैराग्राफ और होली। एंड गाइस मेरा पत्र भी आ रहा है, तो मैंने पत्र भी लिखा था डिफरेंट टॉपिक्स पे। शाबाश, वेरी गुड। डर तो नहीं लगा? डर नहीं लगा मेरे को, सब आता है ना, डर नहीं लगा। ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। शाबाश, वेरी गुड। सारी चीजें हो गई, सिलेबस चेक कर लिया? यस। आप फटाफट ऐसे करो, रेडी हो और नीचे मिचो मिलो, हाँ, खाना का अपना बैग भी पैक कर लेना। अपने फ्रेंड्स को भी बताना कि आप अपने बैग में क्या लेकर जाते हो फॉर द मॉर्निंग, ठीक है? मैं तब तक अनान्या को दिखाती हूँ, आ जाओ। गाइस मैंने अपने रिवीजन तो कर लिया है, अब मैं रेडी होके आती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ मैं अपने बैग में क्या क्या लेके जाती हूँ। हेलो मिस्टर डमेलो, क्या हाल चाल? ठीक, बस पढ़ाई चल रही है। हाय, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है ना? हाय हाय वाली फीलिंग नहीं है ये, क्योंकि आज है मैडम का SST का एग्जाम, सोशल साइंस। SST इतनी डिफिकल्ट होती है, तीन तीन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो क्या हो गया यार, करा होगा तो इजी है, नहीं करा होगा तो डिफिकल्ट है। अब बताओ आपको आता है कि नहीं? इस बार तो मुझे सब कुछ इजी लग रहा है, पहले शुरू कर लिया था। हाँ, तो अब आप बताओ आपने कैसी पढ़ाई करी है? सी, हमने ना लिख लिख के पढ़ाई करी है हर एक सब्जेक्ट में। तो ये देखो, हमने लिख लिख के पढ़ाई करी है, हैंडराइटिंग की गंदी हो गई थी इसमें, हल्की हैंडराइटिंग गंदी हो गई थी। दिस, तो मतलब ये बहुत सारा लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। सो एंड देन चैप्टर NCERT से भी पढ़ती हूँ मैं। NCERT तो मतलब अच्छे से करनी नहीं होती है, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आते हैं। एंड देन एक एक्स्ट्रा बुक है फुल मार्क्स से भी करती हूँ मैं। इसमें पूरे चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ये लोग, कि मतलब समराइज कर देते हैं पूरा चैप्टर, एंड विच इज़ वेरी इजी। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस भी है। तो मतलब 1 mark, 2 mark, 3 mark एंड 5 mark वाले क्वेश्चंस भी है इसमें। और अभी रिवीजन हो रही थी आई बिलीव मैप की। यस, ऑलराइट। सो ये मैप वर्क आ रहे हैं मेरे पास, लाइक 3-4 मैप वर्क्स आ रहे हैं, 2 geography, 1 history। तो फिर ज्योग्राफी मेरे को अच्छे से आती है, हिस्ट्री में बस रिवाइज कर रही हूँ, मुझे बस। वेरी गुड, मेहनत पूरी करनी है, एग्जाम अच्छे से करना है, 100% देकर, बाकी रिजल्ट की टेंशन नहीं करनी है। ये बात आप मेरी हर वीडियो में सुनते होगे, ठीक है ना? आप फटाफट रेडी हो, अपना बैग पैक करो और नीचे आ जाओ फटाफट, ठीक? चलो जल्दी आ जाओ। तो गाइज मैं अपने बैग में, मैं स्कूल वाला बैग लेके जाती हूँ, मैं अपने बैग में अपना पेंसिल बॉक्स डालती हूँ,
एंड देन रिविजन की एक दो बुक्स जाती हूँ क्योंकि अगर गाड़ी में रिविजन करनी हो तो हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अगर लंबा रास्ता होता है स्कूल तो फिर पेंसिल बॉक्स में कुछ होना चाहिए, करेक्शन टेप, पेन्स, बहुत सारे पेन्स रखने चाहिए क्योंकि मतलब कुछ अगर इंक खत्म हो गई, इंक लीक हो गई तो सप्लीमेंट्री पेन हो, एंड देन उसके बाद हाईलाइटर होने चाहिए, कलर पेंसिल होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो फिर इसके बाद हम रखेंगे रजिस्टर्स क्योंकि हमें चाहिए होते हैं रिविजन के लिए। तीन घंटे का एग्जाम होता है, फिर बाद में भूख लगे, बीच में भूख लगे तो क्या करोगे? चलो बैठो फटाफट। और गाइस थोड़ा हेल्दी थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करें, स्प्राउट एंड चना सैलेड, हेल्दी फुल ऑफ प्रोटीन, कोशिश करो अपने आप को अच्छे से स्टफ करके जाओ ताकि भूख ना लगे, एंड हेल्दी खाना। ओके भट्टा डालो, ओके चपत खाओ, आ रहा है। चलो गाइस माता टेको टेक ब्लेसिंग्स, बाबा जी प्लीज हेल्प अस। और टेंशन मुझे हो रही है, वहाँ वो एग्जाम लिख रहे होंगे, मेरी नाम से दुख 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 होती रहती है, बट आई कैन पॉजिटिव वाइब्रेशंस। मैंने सोचा जब तक बच्चे नहीं है तो फटाफट इनकी जो गिफ्ट्स पड़े थे थोड़ा इनको संभाल लूं, जो क्योंकि एग्जाम्स चल रहे थे सब बिखरा पड़ा था, चलो गिफ्ट संभालती हूँ। और सियान के हो गए एग्जाम्स खत्म, तो वो गया हुआ है नानी हाउस, तो बेचारा मेरा घर, ओह माय गॉड, खाली हो जाता है बच्चे जब स्कूल जाते हैं। बट एनी हाउ क्या टाइम हो गया, इनके आने का टाइम होगा, एनी टाइम बच्चे आते होंगे, आई एम सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। क्या नहीं आता था? नहीं आता था, सही है, सारा सारी चीजें पे टिक लगाए हुए हैं, मैं तो लगाई, सारी चीजें आती थी शनाया, सारी चीजें आती थी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस मुझे अगर डाउट था क्वेश्चन में तो मैंने कर लिया था, ये वाला मुझे आता था यस। चलो कोई बात नहीं, तो इन टोटल अच्छा ही हो गया, हां बहुत अच्छा हो गया। अरे मैं आपको एक और बात बताऊं, ये ना मेरा पैराग्राफ राइटिंग आया था, पैराग्राफ राइटिंग में जो मैम ने हमको टॉपिक क्लास में लिखवाया था वही हमारे एग्जाम में आ गया है। ओह माय गुडनेस, एंड ये तो देखो बहुत अच्छे से आता था, मैंने जो लिखा था मैम ने कहा था बेटा आपको बहुत अच्छा लिखा है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे आएगा टॉपिक तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या लिखा है इसके अंदर? इट टॉपिक इज मेहनती इंसान सफल इंसान, ठीक है। मैम ने कहा था यू कैन यूज द स्लैंग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सो आई स्टार्टेड, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इस पंक्ति से ही हमारे मन में एक नया जोश आ जाता है क्योंकि एक व्यक्ति कभी भी कोशिश और प्रयत्न करने बिना करे बिना सफल नहीं हो सकता। जैसे कि उस नन्ही चींटी को ही देख लो, वह भी दीवार से इतनी बार गिरी लेकिन इतना प्रयत्न और प्रयास करने के बाद वह सफलता जरूर पाई, उसने सफलता जरूर पाई। एंड उसके बाद हमारे जीवन में बहुत प्रसिद्ध और महान व्यक्तियां जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, लक्ष्मीबाई, ये सब भी इतना मतलब कोशिश करके, इतनी प्रयत्न करके, अपने हल्ले लड़के इतने महान और इतने प्रसिद्ध व्यक्ति बने। हमें जीवन में हार और जीत तो होती रहती है लेकिन हमें नीचे नहीं झुकना और अपना मतलब कोशिश करती रहनी चाहिए, ऐसे ही सारे। शाबाश 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 शाबाश, मजा आ गया यार, मजा ही आ गया, वेरी गुड। और मैडम अब आप भी खुश कर दो। मम्मा ये देखो, अब ना इसमें ना क्वेश्चन है लॉन्ग लॉन्ग वाले, हाँ। तो ये जो 5 मार्कर नहीं होते ये वाले, एंड देन ये वाले 4 मार्कर्स, तो इसमें मेरे ना 40 40 मतलब 100 वर्ड्स की लिमिट थी, मैंने 150 लिख के आ गई हूँ मैं।
कोई बात नहीं, 150 वर्ड्स तक तो लिख ही आ गई मैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन से उसपे मतलब जो 4-4 मार्क्स थे वो 2-2 मार्क्स वाले भी 4-4 मार्क्स वाले थे। वेरी गुड यार, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो हमने करे हैं सारे, ये देखो सारे सब्जेक्टिव वर्कशीट से आए हैं। वेरी गुड यार, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड। चलो जी ये पेपर तो हो गए हमारे अच्छे। ओह गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। चलो ये तो हो गया, अब मुझे बताओ खाने के लिए मैंने क्या बनाया होगा? दाल चावल और कोई करेले आलू, और गेस कर दो, राजमा चावल। राजमा चावल बना है, कुछ करना बहुत आसान है यार, राजमा राइस। चलो खाना खाओ। तो गाइज आई एम श्योर आपके एग्जाम्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। हाँ तो आपके एग्जाम्स कैसे हो रहे हैं और डिटेल में मुझे बताओ, कमेंट्स करो और बताओ कि और आप क्या क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो, आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कैसे कर रहे हो, मुझे भी जानना है। और हाँ, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? ये सारी बातें मुझे जाननी है, मुझे कमेंट करके बताओ। मम्मा मम्मा मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस, एंड देन वर्स्ट सब्जेक्ट, गाइस आप बताओ वर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा? नंबर 1 SST। और आपका? मेरा फेवरेट है हिंदी, एंड देखो वर्स्ट मेरे को एसएसटी भी नहीं लगती, मैथ्स में हल्का डर लगता है, बट मेरा वो भी अच्छा रहे। सेकंड वर्स्ट मैथ्स है। वेरी नाइस, मगर सारे सब्जेक्ट को दिल लगा के पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ओके तो गाइस आई एम श्योर आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एग्जाम के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। माता पिता की इज्जत करना, भाई बहन को प्यार करना और हमारे वीडियोस देखते रहना, बाय। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। पापा पे किया प्रैंक ऑन पापा'स बर्थडे, वीडियो लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS 1313 व्लॉग्स पे। हमने पापा पे क्या प्रैंक किया ये देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत अच्छी वीडियो है, क्लिक 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 क्लिक।